तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इसरो के रॉकेट्स अपने साथ एक बड़ा वाटर टैंक लेके क्यों घूमते हैं। कभी ये फोटो आपने देखा है, काफी टाइम देखा रहेगा। इसरो का पीएसएलवी का सेकंड स्टेज है। यहाँ जो आपको ब्लू कलर का गोल चीज दिख रहा है वो एक टैंक है। इसे एक टोरॉइड शेप में, इसे टोरॉइडल टैंक कहा जाता है। इसके अंदर पानी भरा पड़ा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पानी इसलिए जस्ट इन केस अगर लॉन्च पैड पे आग लग गई तो बुझाने के लिए, ऐसे कुछ भी नहीं है। रॉकेट लॉन्च होगा तो फिर क्या करेगा उस पानी का। ये इनफैक्ट पानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विकास इंजन को ये पानी लगता है। अब आप बोलोगे कि विकास इंजन का काम तो आग उगलना है, वो पानी के साथ क्या करेगा। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल रीज़न है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले विकास इंजन का थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। विकास इंजन एक फ्रेंच इंजन, जो वाइकिंग इंजन उसका एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव एक स्ट्रांग शब्द हुआ, एक्चुअली फ्रेंच की एजेंसी CNES और इंडिया के इसरो ने मिलके ही ये इंजन बनाया है, कोलैबोरेशन भी कह सकते हैं आप। फ्रेंच वालों ने हमें ज्ञान दिया, नो हाउ दिया, ये कैसे बनता है रॉकेट, कैसे काम करता है और नो वाई। और इंडिया ने इन रिटर्न काफ़ी सारे स्किल्ड इंजीनियर्स और कुछ स्पेस ग्रेड ट्रांसड्यूसर्स दिए इन रिटर्न में, तो उसका फिर विकास इंजन बन गया। अगर आपको विकास इंजन के बारे में और जानना है तो जिस साइंटिस्ट ने विकास इंजन को नाम रखा विकास, नंबी नारायण सर, इन्होंने एक बुक लिखा है। ये बुक उनकी स्टोरी के ऊपर है कि कैसे उनको फॉल्सली स्पाई कहा गया वगैरह, पर उसमें काफ़ी अच्छा एक विकास इंजन का जर्नी भी दिया गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बुक पढ़ो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर चाहिए तो। और नंबी सर अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर आपसे कभी मिलना चाहूँगा। तो विकास इंजन पे पानी के मैटर से पहले विकास इंजन काम कैसे करता है वो हमें समझना पड़ेगा। अब ये जो पानी का टैंक है विकास इंजन स्पेसिफिक है, मतलब जो भी रॉकेट स्टेजेस विकास इंजन है इसरो के, यानी GS, यानी बेसिकली ऑल थ्री मेन रॉकेट्स उनके ऊपर है। अब PSLV का सेकेंड स्टेज हमें दिखता है इसलिए हम ये टोरॉइडल टैंक देख सकते हैं। GSLV मार्क टू और मार्क थ्री के अंदर है वो बॉडी के, तो वो दिखते नहीं है बाहर। विकास इंजन जो है ये एक गैस जनरेटर साइकिल है। अब सिंपल में समझाता हूँ आपको। ये इसका जो फ्यूल है UDMH यानी अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीडाइजर है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, ये हाइपोगोलिक फ्यूल्स हैं। मतलब जब भी ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो अपने आप जल जाते हैं। तो इस केस में विकास इंजन को कोई इग्नाइटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती जो स्टार्ट करे इग्निशन, तो इसलिए इंजन डिज़ाइन दूसरे से कंपेयर किया तो काफ़ी सिंपल है। अब आपको गैस जनरेटर क्या है वो समझाता हूँ। अब एक छोटा सा चेंबर रहेगा जहाँ फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिलेंगे, गैस बनेगा, ये गैस फिर एक टर्बाइन को घुमाएगा। अब इस टर्बाइन से एक कॉमन शेफ्ट अटैच्ड है जो फिर उसके दोनों एंड्स में दो पंप्स रहेंगे, एक ऑक्सीडाइजर पंप और एक फ्यूल वाला पंप जो फ्यूल टैंक को कनेक्टेड होगा। ये दोनों बेसिकली ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजर पंप करेंगे कंबशन चेंबर के अंदर रॉकेट इंजन के, फिर कंबशन होगा, फिर रॉकेट इंजन एग्जॉस्ट के थ्रू सब गैसेस रिलीज करेगा और वो सब मस्त काम करेगा अपना। ये हुआ बेसिक। और जो भी गैस जनरेटर के प्रोडक्ट्स है वो एग्जॉस्ट किए जाते हैं। अगर आप रॉकेट इंजन्स, ये स्पेसिफिकली गैस जनरेटर इंजन्स के वीडियोस देखोगे टेस्टिंग के, तो आपको गैस बाहर आते एक एग्जॉस्ट से दिखता है सेपरेटली। तो ये विकास इंजन के केस में भी होता है। अब यहाँ पानी का मामला कैसे आता है। इस दोनों पंप के बजाय विकास इंजन के मामले में एक और छोटा पंप अटैच्ड है जो पानी पंप करता है। अब पानी क्यों लग रहा है, होता क्या है, गैस जनरेटर का एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अब अगर इसके हीट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो शायद वो उस टर्बाइन को मेल्ट करे और फिर पूरा इंजन फ्रीज हो, पूरा इंजन बंद पड़ सकता है अगर टर्बाइन घूमना बंद कर देगा तो। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियो में, अगला वीडियो नहीं उसके बाद वाली वीडियो में, ये रेफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो समझिए ज़रा। इसलिए गैस जनरेटर के एग्जॉस्ट को कूल करना ज़रूरी है। तो इस केस में ये पानी पंप किया जाता है, गैस जनरेटर के एग्जॉस्ट को कूल किया जाता है, तो इस तरीके से ये होता है। यही नहीं, इस पानी के पंप से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उससे हम हाइड्रोलिक वाल्व तक एक्चुएट कर सकते हैं, एक्चुएट मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये होता है वाइकिंग इंजन के केस में। ऐसे विकिपीडिया पे लिखा है कि वो लोग इससे उनके टैंक को प्रेशराइज करते थे, पर इसरो में ये तो डेफिनेटली नहीं होता है क्योंकि हमें पता है कि जो इसरो के टैंक से वो हीलियम से प्रेशराइज होता है, तो ये जो एग्जॉस्ट और ये प्रेशर से तो टैंक तो प्रेशराइज नहीं होता है इसरो के मामले में। तो ये आप कुछ इमेजेस देख सकते हो,
इस इंजन के वाइकिंग इंजन के डायग्राम्स है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो बीच में टर्बाइन है और फिर लेफ्ट में जो रेड कलर का पाइप है वो UDMH कैरी करता है और जो नो ऑरेंज गोल्डन कलर का पाइप है वो N2O4 कैरी करता है, उन दोनों की पंप से है। और एक ब्लू कलर का पंप भी है, आपको एकदम कोने में एक छोटा सा दिखेगा, ये ब्लू कलर का पंप पानी का पंप है। और जो गोल सिलेंडर टाइप है, मतलब ऐसा स्पीयर टाइप, वो गैस जनरेटर है, उसके नीचे से पानी पंप होता है। तो एक काफ़ी अलग सिस्टम है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये लोग ये क्यों सिस्टम चूज़ किए, क्योंकि कुछ जो गैस जनरेटर साइकिल्स है वो पानी के बजाय जस्ट फ्यूल रिच मिक्सचर रन करते हैं, मतलब एक परफेक्ट रेशो यानी परफेक्ट कंबशन रेशो में नहीं, उसमें ऑक्सीजन कम होता है और फ्यूल ज़्यादा होता है, ताकि एग्जॉस्ट जो हो गैस जनरेटर का वो ज़्यादा ठंडा हो, ज़्यादा कूल हो। ये आप देख सकते हो वाइकिंग इंजन का टेक्निकल डायग्राम, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो पंप के लाइन्स जो N2O4 कैरी कर रहा है, UDMH कैरी कर रहा है, और वाटर पंप ऊपर कंबशन चेंबर तक पंप कर रहा है, कुछ वाल्व्स एक्टिवेट कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, आई होप आपने कुछ सीखा हो नया। आई होप मैं नवीन नारायण सर से मिलके इसके बारे में और ज़्यादा बात कर सकूँ, देखते हैं फ्यूचर में क्या है। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी, जय हिंद जय भारत।